गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जीवीए के बारे में पढ़ेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, और साथ ही साथ हम जीडीपी को भी रिवाइज करेंगे। क्योंकि जीडीपी को रिवाइज किए बिना हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जीवीए का कंसेप्ट क्या होता है और क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो आज की क्लास इस पर रहेगी। हम क्लास जैसे ही 20 लोग इकट्ठा हो जाएंगे या 2 मिनट हो जाएंगे, हम क्लास को शुरू करेंगे। थैंक यू। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था वेज एंड मीन्स एडवांस के बारे में, उसके 9 या 10 आंसर ही आए मेरे पास, तो मैंने फीडबैक तो इंडिविजुअल लेवल पे दे दिया है। लेकिन जो ओवरऑल जो एक फैक्टर था जो आप लोगों के आंसर में कॉमन था, वो ये था कि सबने सारे पॉइंट कवर नहीं किए, क्योंकि परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और सारे अखबारों में आया हुआ था, लेकिन फिर भी सारे पॉइंट इसमें कवर नहीं हुए थे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सबने छोड़े थे वो था FRBM का इम्पैक्ट वेज एंड मीन्स एडवांस पे। इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं था, लेकिन स्टेट्स डिमांड कर रही थी कि FRBM एक्ट को रिलैक्स किया जाए और 3% जो GDP का अलाउ करते हैं फिजिकल डेफिसिट करने के लिए, उसको रिलैक्स करके उसको बढ़ाया जाए। वेज एंड मीन्स एडवांस को 30% बढ़ा के 60% किया गया था, लेकिन फिर भी स्टेट ये डिमांड कर रही थी कि FRBM एक्ट को भी रिलैक्स किया जाए स्टेट्स के लिए, ताकि स्टेट ज़्यादा बोरो कर सकें कोविड के टाइम पे। तो ये पॉइंट छूट गया था। दूसरा, कई लोगों ने ये छोड़ दिया था कि रेपो रेट पे लोन मिलता है, ये पॉइंट को डिस्कस नहीं किया, और इस पॉइंट को भी डिस्कस नहीं किया कि रेपो रेट से +2% का लोन लगेगा अगर स्टेट 3 महीने के अंदर, और जो उनको 21 दिन का रिलैक्सेशन मिलता है उसके बाद भी अगर लोन नहीं पटा पा रही है, तो फिर उनको +2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट लगता है। और कब लगेगा? जब स्टेट जो है वो इस 60% के क्राइटेरिया को ब्रीच करके और लोन ले रही है। ऐसा नहीं कि स्टेट 60% से ज़्यादा लोन नहीं ले सकती है, स्टेट ले सकती है, लेकिन 60% तक का जो लोन है उस पर रेपो रेट का इंटरेस्ट लगेगा, रेपो रेट का ब्याज लगेगा। लेकिन जब इसको ब्रीच कर देगी स्टेट, 60% से ऊपर का लोन लेना चाहेगी, तो लोन तो उसको मिल जाएगा स्टेट को, लेकिन रेपो रेट +2% का उसको लोन देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट जो था वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो सारे आंसर्स में नहीं था ये। ठीक है, तो ये वेज एंड मीन्स एडवांस तो अब समझ में आ गया है। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर लिखा, आंसर तो सबके लगभग अच्छे लेवल पे थे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स मिसिंग था तो मैंने स्पेसिफिकली बता दिया। ठीक है, अब किसी को डाउट है वेज एंड मीन्स एडवांस में तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। वेज एंड मीन्स एडवांस में अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे क्लास को शुरू करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, उससे पहले हमको जीडीपी समझना जरूरी है, क्योंकि जीडीपी में से भी रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अच्छा, वाई दिस इज कॉल एडवांस। ठीक है, अब लोन और एडवांस में क्या फर्क होता है, किसी को पता है जो बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एडवांस? हाँ
हमको कई बार हमको सुनने को आता है कि लोन और एडवांस जो टर्म है वो लगभग एक ही जैसी लगती हैं, लेकिन उसके बीच में एक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? किसी को भी पता है, सबने आंसर लिखा है, लेकिन ये बेसिक चीज किसी ने नहीं पूछी थी कि लोन और एडवांस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। केवल आप आरबीआई के पर्सपेक्टिव में या स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में नहीं बताइए, एक ओवरऑल व्यू बताइए मेरे को कि लोन और एडवांस के बीच में क्या फर्क होता है। लोन इज अगेंस्ट कोलेटरल बट एडवांस इज नॉट, ठीक है। पहला है कि लोन के लिए आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल देना पड़ता है, एडवांस के लिए नहीं देना पड़ता है। एक डिफरेंस आ गया। उससे पहले एक बेसिक डिफरेंस है, उसको बताइएगा। ये भी एक सही डिफरेंस बताया है। एक और डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो क्या होता है? देखिए, लोन भी क्रेडिट फैसिलिटी है, एडवांस भी क्रेडिट फैसिलिटी है, लेकिन यूजुअली जो एडवांस होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट फैसिलिटी होती है। जैसे कोई एम्प्लॉय जाएगा अपने एम्प्लॉयर के पास, अपने मालिक के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि मुझे 3 महीने की सैलरी का एडवांस चाहिए जो मैं आपको कट कट करके इस फाइनेंशियल ईयर में दे दूंगा। या कोई कंपनी को डे टू डे अपना अगर बिजनेस रनिंग के लिए कुछ खर्चा करना है, सेम फाइनेंशियल ईयर में वो बैंक से लेके बैंक को वापस कर देता है। तो एडवांस आर शॉर्ट टर्म क्रेडिट सिस्टम जो सेम फाइनेंशियल ईयर में सेटल हो जाते हैं और बिना किसी कोलेटरल के होते हैं। वेयर एज लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, साथ साथ कोलेटरल बेस्ड होता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है। ठीक है, जैसे होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, पर्सनल लोन अलग बात है, लेकिन पर्सनल लोन भी जो आपका होगा वो एडवांस से ज़्यादा टाइम फ्रेम का होगा। वेज एंड नीज एडवांस जो है उसका टाइम फ्रेम था 3 महीने का, जो पहले 14 दिन का वो जो फैसिलिटी था एक्सटेंशन का, उसको 21 दिन कर दिया गया है। तो 3 महीने 21 दिन तक मैक्सिमम ये आपको एडवांस दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। लोन जो रहेगा वो लॉन्ग टर्म का रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है लोन और एडवांस के बीच में। होपफुली ये क्लियर हो गया हो। नहीं, दोनों को एक अवधि के अंदर चुकाना देना पड़ेगा आपको। एडवांस को भी एक अवधि के अंदर वापस करना पड़ता है, लोन को भी एक अवधि के अंदर वापस करना पड़ेगा। ठीक है, एक आप एक जो एडवांस का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एक तरीके का एडवांस है, केवल एक तरीके का एडवांस है कि आपको इतना पैसा मिलना था, उसका कुछ एक हिस्सा आपको पहले मिल चुका है, ये एक तरीके का एडवांस है। लेकिन जिस एडवांस की हम बात कर रहे हैं, वेज एंड मीन्स एडवांस में या लोन के रिस्पेक्ट में जिस एडवांस की बात होती है, क्रेडिट की बात होती है, वो अलग होता है। ठीक है, जो एडवांस की हम बात कर रहे हैं, जो लोन एंड एडवांस का फैक्टर है, वो है कि एडवांस लोन की तरह ही एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो शॉर्ट टर्म मेजर का होता है और सेम फाइनेंशियल ईयर में सेटल हो जाता है। तो ये होता है एडवांस। ठीक है, होपफुली ये क्लियर है। तो हम नए टॉपिक में बढ़ते हैं। किस किस ने जीडीपी नहीं पढ़ा है, किस किस ने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा है, बस आप वो बता दीजिए कि आप लोगों ने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा है, तो मैं उस हिसाब से क्लास को मूव करूंगा, और जिस जिसने पढ़ा है वो फिर मेरे क्वेश्चनों का जवाब देगा। ठीक है, तो पहले से ही बता दीजिए कि किस किस ने जीडीपी के बारे में या नेशनल इनकम के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है आज से पहले, और जिस जिसने पढ़ा है मैं फिर सवाल पूछूंगा उनसे। बताइए, पहले से बता दीजिए किसी चीज़ ने नहीं पढ़ा है, तो फिर हम क्लास को उस हिसाब से करेंगे। और अब मैं मान के ये चल रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है सवाल पूछे हुए, तो मतलब सबने पढ़ा हुआ है। तो मैं सबसे, अच्छा चलो, हिमांशु का आ गया कि नेशनल इनकम एंड जीडीपी नहीं पढ़ा है, तो ठीक है। दुर्गेश ने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन दुर्गेश ने तो क्लास अटेंड की थी मेरी इलाहाबाद वाली, तो फिर कैसे नहीं पढ़ा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले से 2 लोगों ने मना कर दिया है।
ठीक है। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो लोगों ने बोल दिया नहीं पढ़ा है और बाकी लोग फिर पढ़े हुए हैं, उस हिसाब से हम उसका अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन के जवाब एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है तो अब ये देखते हैं कि जीडीपी होता क्या है, नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम मतलब हमारे देश का टोटल इनकम है, वो होता है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है तो अब इसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, तो इसका मेजरमेंट यूजुअली सारे देश करते हैं जीडीपी के बेसिस पे। आईएमएफ का भी जो ग्रोथ का जो एनालिसिस होता है वो भी जीडीपी के बारे में बात करती है। जो आपका वर्ल्ड बैंक का एनालिसिस होता है वो भी जीडीपी के ऊपर बेस्ड होता है। जो आपके बड़े बड़े फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आपके कंट्री के प्रोग्रेस को जीडीपी के बेसिस पे करते हैं। ठीक है और बाकी अगर आपको अपने देश का ग्रोथ का कंपैरिजन करना है किसी देश के साथ, उसके लिए भी जीडीपी का यूज़ हो रहा है। तो जीडीपी एक मानक है जिससे हमारा ग्रोथ को, किसी भी देश की ग्रोथ को मेजर किया जाता है। अब अविनाश और अनूप के बीच में क्या चल रहा है वो हमको नहीं पता है, लेकिन मजा आ रहा है पढ़ के कमेंटबाजी। ठीक है तो अब हम आते हैं जीडीपी क्या भला होती है। ठीक है तो जीडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है हमेशा इकोनॉमिक्स में नाम में ही सब कुछ छुपा होता है, तो ग्रॉस है, डोमेस्टिक है और प्रोडक्ट है। ठीक है तो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होगा वो हम देखेंगे, डोमेस्टिक क्यों वर्ड यूज हो रहा है वो देखेंगे, और प्रोडक्ट क्या है वो देखेंगे। उसके साथ साथ मतलब ये तीन कोर कंपोनेंट हैं इसके, ग्रॉस है, डोमेस्टिक है और प्रोडक्ट है। इसके डेफिनेशन में जाएंगे तो इसका डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब फाइनल वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ, सॉरी नॉट फाइनल वैल्यू, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ठीक है इस कॉल्ड जीडीपी। ठीक है तो अब हम पहले इसको अगर ब्रेकअप लेंगे इस डेफिनेशन का, तो हम बोल रहे हैं वैल्यू मतलब उसका वैल्यू आ रहा है किसका, फाइनल प्रोडक्ट का। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि इससे आगे आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है लेकिन ये भी हम समझेंगे कि क्या मतलब होता है इसका। फाइनल प्रोडक्ट मतलब अगर जैसे आप एक लकड़ी है, आप मंडी में गए एक लकड़ी लेने के लिए, आपका काम है कुर्सी बनाना, तो आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट है कुर्सी जो मार्केट में जाएगी, उसके बाद उसमें कोई कुछ चेंज नहीं करेगा। ठीक है तो जब वो मार्केट में जा रही है तो मार्केट में कुर्सी की तरह बिक रही है, तो हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है लेकिन लकड़ी उसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। वैसे ही अगर स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो आयरन ओर उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद उसका वो शीट बना बना के बेचते हैं, शीट भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उस शीट को किसी मशीन को फाइनल तैयार करने में यूज किया जा रहा है तो वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। फाइनल प्रोडक्ट मतलब इसको फाइनली कंज्यूम किया जाता है, मतलब उसको और कहीं पे आपको नहीं लगाना है, आपको सीधे उसको कंज्यूम करना है। ठीक है तो वो फाइनल प्रोडक्ट कहलाता है। तो उस फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू और ये फाइनल प्रोडक्ट और या गुड्स कहाँ बन रही हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट और गुड्स बन रही हैं हमारे देश के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर। तो क्या केवल पॉलिटिकल बाउंड्री डोमेस्टिक बाउंड्री होगी या कुछ और भी इसमें इंक्लूड होगा, बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो हम देख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट मतलब उसको फाइनली कंज्यूम करना है आपको, उसका और कोई आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे। ठीक है वो है आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब हम बात कर रहे हैं इसकी क्या बोलते हैं डोमेस्टिक बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब क्या केवल पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो भारत का नक्शा देखते हैं वही है या उसके अलावा भी कोई टेरिटरी इसमें इंक्लूड होगी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस या नो।
बताइए जीडीपी हम पढ़ रहे हैं तो जीडीपी में आलोक का आंसर आ गया केवल राजनीतिक सीमा, और क्या होगा? बताइए बताइए, ये दो का ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो लोग को ये समझ में आ रहा है कि केवल जो है पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो देश का पॉलिटिकल मैप है, उसी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वही केवल जीडीपी नहीं बनाएगा। हमारे देश के बाहर जो वेसल हैं, मतलब हमारे यहाँ जो एम्बेसीज हैं वो काम कर रही हैं, वहाँ भी अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं तो वो भी उसमें आएगा। उसके साथ साथ आपका जो हमारे बहुत सारे मर्चेंट नेवी वाले शिप्स हैं जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आएगा। ठीक है, तो केवल हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस है वही नहीं आएगा, सारे के सारे हमारे जो हमारे रेसिडेंट हैं, इंडियन रेसिडेंट, कोई अगर प्रोडक्ट बाहर जाके बेच रहे हैं, हमारी एम्बेसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो भी हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होगा। हमारा जो कमर्शियल वेसल है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन अराउंड ओशियन, वो भी हमारे जीडीपी में आएगा। तो ये हो गया। तो ये फाइनल जो हमने देखा था ना, फाइनल प्रोडक्ट जो बोलते हैं, जिसको हम फाइनली कंज्यूम करते हैं, वो भी वेरी करता है। वो कैसे वेरी करेगा? ठीक है, तो अब ये भी देखते हैं कि एक अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट को, तो हम दो तरीके से बात करते हैं गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड होता है, कंज्यूमर गुड होता है। ठीक है, तो फाइनल जो गुड है हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनल गुड में, गुड्स में देखेंगे तो गुड दो तरीके होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड, एक होता है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड जो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाएगा, जैसे आपकी आइसक्रीम हो गई, आपकी चाय पत्ती हो गई, आपका जो शक्कर आया है पैकेट में, आपका जो दाल आया है पैकेट में, वो सब आप फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंज्यूमर गुड में आता है। कैपिटल गुड है मतलब एक मशीनरी है, एक मशीन बनाने वाली कंपनी ने एक मशीन बनाई है और वो मशीन दूसरे कंपनी में लगी है और वो मशीन एक नया प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। मतलब एक कंपनी है उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है एक मशीन जो फॉर एग्जांपल करिए लेमिनेशन का काम करती है या डब्बे बनाने का काम करती है। अब वही मशीन एक दूसरी कंपनी खरीदती है अपने यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट को डब्बा बंद करने के लिए, मतलब उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए। मतलब कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूम खुद भी डायरेक्टली होते हैं और साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट बनाने में भी हेल्प करते हैं जो कंज्यूमर गुड्स बना रहा है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हमने देखा है कि एक कंपनी ने एक मशीन बनाई है, एक मशीन बनाई है, जैसे हमने देख लिया एक कंपनी ने बनाया है ब्रॉयलर। ठीक है, एक कंपनी ने बनाया है फीडर जो दवाई फीड करेगा हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्मर को, या अनाज फीड करेगा हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्मर को। तो जो फीडर जिसने बनाया है वो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है, उसको एक कंपनी जो पोल्ट्री फार्मर है वो उसको कंज्यूम करेगा और वो फिर उस पोल्ट्री फार्म में जाके वो जो प्रोडक्ट है, वो जो मशीन है, वो खुद काम कर रही है एक नया प्रोडक्ट बनाने में, चाहे वो अंडे से रिलेटेड हो या पोल्ट्री मीट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो एक तरफ जो फीडर बनाया था एक कंपनी ने, वो उस कंपनी के लिए फाइनल गुड था, वो जीडीपी में जुड़ जाएगा। उसके बाद वो जो फीडर था उसको पोल्ट्री वाले अपने यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक नया प्रोडक्ट उत्पादन करने के लिए। तो ये एक जो फाइनल गुड्स जो हम बोलते हैं उसका एक एग्जांपल है कि कैपिटल गुड्स कैसे होते हैं, कंज्यूमर गुड्स कैसे होते हैं। कंज्यूमर गुड आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, दूध जो पैकेट में आता है आप उसको निकाल के पी रहे हैं, तो वो हो गया फाइनल गुड आपके लिए। लेकिन अगर कोई चाय वाला है, कोई होटल वाला है, उसके लिए वो सिर्फ एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, होगा वो भी, वो डेयरी उत्पादन के लिए वो दूध का पैकेट उसका फाइनल प्रोडक्ट है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं अपने घर में खरीदता हूँ, खुद के लिए चाय बना के उसको पी रहा हूँ, तो मैंने तो वो कंज्यूम कर लिया फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन वही दूध का पैकेट अगर कोई रेस्टोरेंट वाला खरीद रहा है और उसको यूज कर रहा है चाय बनाने में,
या केक बनाने में या रबड़ी बनाने में, तो वो उसको एज एन इंटरमीडियरी प्रोडक्ट यूज करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन, फाइनल प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है वो आपको उसके यूज के हिसाब से देखना है, उसके कंजम्पशन के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो अभी एक स्टेटमेंट आया है, कैपिटल गुड कैन बी कंज्यूमर गुड फॉर एनीवन, ठीक है। एक कैपिटल गुड है वो कंज्यूमर गुड बन सकता है, लेकिन कंज्यूमर गुड कैन नॉट बी ए कैपिटल गुड। नहीं, ये तो नहीं होगा, आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कंज्यूमर गुड वो गुड है जो डायरेक्टली कंज्यूम हो रहे हैं, जो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारा तरीका हो गया। कैपिटल गुड आप मान के चलिएगा कि ऐसा गुड होता है जो आपके फैक्ट्री में फर्दर और गुड्स बनाने के काम आता है, ठीक है। तो एक मशीन से उसकी तुलना कर सकते हैं आप कैपिटल गुड की, ठीक है। कंज्यूमर गुड है जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपका जो एक तरीका है चीज़ों को समझने का, वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसको कंज्यूम कैसे कर रहे हो आप गुड को। हमने मिल्क के पैकेट का उदाहरण दिया, तो वो हमारे लिए फाइनल कंजम्पशन हो गया, हमारे लिए वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन एक रेस्टोरेंट के लिए वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, उनके लिए फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा वो जब वो केक बना के बेचेंगे या वो चाय बना के बेचेंगे, ठीक है। तो जीडीपी में उसका वैल्यू, दो मिल्क के पैकेट हैं, एक तरफ दोनों का उत्पादन का जो वैल्यू रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा वो जीडीपी में जुड़ रहा है। साथ ही साथ एक मिल्क के पैकेट को आप एक घर वाले कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वैल्यू वही खत्म हो गया, लेकिन एक मिल्क के पैकेट को, एक दूध के पैकेट को एक रेस्टोरेंट वाला चाय बना के बेच रहा है, और 20 रुपए के पैकेट को वो 10 कप चाय बना के बेचा है 10-10 रुपए की। तो एक 20 रुपए के पैकेट को उसने फाइनल गुड में कन्वर्ट कर दिया है 100 रुपए के, ठीक है। तो 100 रुपए भी जीडीपी का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हम ओवरऑल एक बेसिक डेफिनेशन है, उसको ब्रेक करके समझ रहे हैं। जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ठीक है। वो हो गया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस बेसिक डेफिनेशन में अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, हम इसको दोबारा समझेंगे, किसी और तरीके से समझेंगे, किसी और एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। इस बेसिक कंसेप्ट में अगर किसी को डाउट है तो पूछिएगा। फाइनल कंजम्पशन आपको समझना जरूरी है। फाइनल कंजम्पशन मतलब कैपिटल गुड्स में आप कंजम्पशन तो वो भी कर रहा है एक तरह से, अगर आप जो कैपिटल गुड को बना रहा है वो जो मशीन बन रही है, जो कंपनी वो मशीन को बनाती थी, उसने तो अपना फाइनल प्रोडक्ट बना दिया है, और वो फाइनल प्रोडक्ट लेकिन किसी दूसरी कंपनी में जाके एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट का काम करता है, मतलब उसके ऊपर काम नहीं होगा बट वो एक बड़ी सेटअप का एक पार्ट बन जाएगा, जिसमें बहुत सारे मशीन लगे होंगे जो फाइनल मिलके एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे होंगे, वो उस कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब इसमें मैं आपसे एक डाउट पूछ रहा हूँ कि अब जो हमने देखा है कि इस्पात की जो या स्टील की जो शीट्स होती हैं वो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर हम इस्पात की शीट को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो एक्सपोर्ट का जो एक्शन है वो हमारे जीडीपी में आएगा या नहीं आएगा। हमने ये देखा था इस्पात की जो शीट होती है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती है, वो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है, लेकिन जब हम इस्पात की शीट को जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, मुझे बताइएगा। अभी एक ही का आंसर आया है, सही है गलत है मैं नहीं बताऊंगा। जब इस्पात की शीट बनाई गई है जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता, डायरेक्टली इसको कोई कंज्यूम नहीं कर सकता, कोई मार्केट में जाके इस्पात की शीट नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है हमारे देश के लिए, लेकिन जब हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी
ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को जो उसको यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा, तो वो जीडीपी में आएगा या नहीं आएगा? बहुत सही जवाब है सबका, लगभग सही आंसर आया है, लगभग क्या सबका ही सही आंसर आया है, लेकिन सब लोग जवाब नहीं देते हैं, वो अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो हमारे देश के लिए, हमारे डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन का हिसाब है उसके हिसाब से वो फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने फाइनल प्रोडक्ट बना के जो क्लाइंट ने मांगा था वो हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ हो गया, तो ये हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा है। अब जब आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू है वो उत्पादन के साथ साथ, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू गिरते भी जाती है। वो कैसे गिरती है, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? जब वियर एंड टीयर का लॉस होता है और हमारे जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है या गुड्स का जो वैल्यू है वो रिड्यूस होते जा रहा है, उस रिड्यूस होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वियर एंड टीयर के कारण जो आपका वैल्यू में कमी आ रही है उसको क्या बोलते हैं? इसका हिंट मैं दे सकता हूँ, जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो आपकी पहली बार जब नई नई गाड़ी रहती है तो शोरूम का प्राइस लेते हैं, लेकिन जैसे ही एक साल बाद आप जाते हैं इंश्योरेंस कराने के लिए आपकी गाड़ी की वैल्यू गिर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? आंसर आ गया है डिप्रिसिएशन। तो हमारे यहाँ भी देश में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है समय के साथ साथ वियर एंड टीयर होगा, जिसके कारण उसका वैल्यू का लॉस होगा। तो हम जब जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ग्रॉस वैल्यू है उसका, जब ग्रॉस वैल्यू है मतलब हमने इसमें डिप्रिसिएशन को काउंट नहीं किया था, डिफ्लेशन नहीं डिप्रिसिएशन, डिफ्लेशन अलग चीज है भाई, डिप्रिसिएशन की बात चल रही है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का मतलब है कि वियर एंड टीयर के कारण जो वैल्यू लॉस हो रहा है प्रोडक्ट का, तो हमारा जो जीडीपी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब हम जीडीपी में से डिप्रिसिएशन के फैक्टर को अकाउंट करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है, जो वैल्यू मिलती है, उसको क्या बोलते हैं बताइए? जब हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, ठीक है, उससे जो वैल्यू आता है हमको, उसको हम क्या कहते हैं बताइए? मैंने क्लास ली हुई है और कुछ लोगों ने पढ़ा भी है इसको, तो बताइएगा, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारे देश का, उसको हमको अगर डिप्रिसिएशन के लिए एडजस्ट करना है तो उससे क्या आएगा? अरे जब नेट लगा दियो तो फिर जी क्यों लगा रहे हो भाई? आ गया सही जवाब, आ गया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट जीडीपी नहीं भाई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, ग्रॉस को आपने नेट में कन्वर्ट किया है। अरे अभी एनएनपी में नहीं पहुंचेंगे, एनएनपी पहुंचने के लिए टाइम है। जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब आप हटाएंगे डिप्रिसिएशन को तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? एनडीपी माना जाता है उसको। तो जीडीपी और एनडीपी में जो फर्क है वो है आपका कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन का वैल्यू को नहीं लेते हैं, और जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो डिप्रिसिएशन के फैक्टर को काउंट करके रखता है। ठीक है, तो ये है आपका जीडीपी और एनडीपी। अब आता है दो चीज, जीडीपी और एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो क्या है?
जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, बताइएगा। वो जीडीपी पे होता है, डी मिनिमस जो लेवल है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे होता है। अभी हम वही कंसेप्ट देखेंगे। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ 86 टू 88, ठीक है। अब जैसे आपने वैल्यू देखा है एक प्रोडक्ट का, वो दो तरीके से आप देख सकते हैं। रजत ने बहुत सही आंसर दिया है, दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है जीडीपी जो फैक्ट्री गेट पे है, और एक है जो शोरूम पे है, ठीक है। तो जब कोई प्रोडक्ट बनता है और जो फैक्ट्री पे आता है, तो उस समय उसका कॉस्ट जो होगा, और उस कॉस्ट को लेके अगर आप पूरे देश के वैल्यू को देखेंगे, गुड्स और सर्विस जो फैक्ट्री लेवल पे है, तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे रिसेशन के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो फैक्टर कॉस्ट में चार चीज़ें इंक्लूड होती थी, तो वो क्या चार चीज़ें थी वो बताइए मुझे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। जब हमने पिछली क्लासेस की हैं, ऑनलाइन क्लासेस की हैं, तो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बताया है आपको। तो चार होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या होता है? बिल्कुल सही है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के लिए आपने रेंट दिया है, लेबर के लिए आपने वेज दिया है, कैपिटल के लिए आपने इंटरेस्ट दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपने प्रॉफिट लिया है। तो ये चारों चीज़ों को मिला के जब आप एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, इस पेन को तैयार कर रहे हैं, इसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के, ये चारों को कॉस्ट को मिला के जब इस पेन की वैल्यू आएगी, तो उसको बोलेंगे इसका कॉस्ट एक फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो वैसे ही अगर देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, उसको केवल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं COFP, उस पर लिया जाए, तो उसको बोलेंगे GDP एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब आपने सिर्फ उस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकालने के लिए केवल जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, केवल उन्हीं की वैल्यू को लिया है, तो फिर उसको बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की जो आपने कॉस्ट लेकर पूरे देश की जीडीपी की वैल्यू बताई है, तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब जब ये मार्केट में जाता है, तो इसमें क्या होता है? जब ये मार्केट में जाएगा, तो इसमें जुड़ेगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, आज के डेट में GST जुड़ेगा। और अगर कोई सब्सिडी मिल रही होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो उसके कॉस्ट को कम करेगी, ठीक है। तो जब ये मार्केट में जा रहा है, तो इसमें जोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं, इसका रेट बढ़ाने वाली चीज़ें क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इसका रेट बढ़ाएगा, और जो थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल रही होगी उसके कारण उसका प्राइस थोड़ा कम होगा। तो मार्केट प्राइस आपको कैसे मिल रहा है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आप जब इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ रहे हैं और मिलने वाली सब्सिडी को हटा रहे हैं, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? फिर मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में जब इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा जाएगा और सब्सिडी को कम किया जाएगा, ठीक है, तो उसका मार्केट प्राइस आपके हाथ में आएगा, ठीक है। तो ये है, होता है आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आज के डेट में वर्ल्ड ओवर और इंडिया में जीडीपी किस पे मेजर होता है, फैक्टर कॉस्ट पे कि मार्केट प्राइस पे, बताइएगा।
आप मेरे को बताइए, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और थोड़ा जल्दी बताइएगा कि कैसे बताइए इसका, मार्केट प्राइस पे होगा या फैक्टर कॉस्ट पे होगा? आज के डेट में वर्ल्ड ओवर जब जीडीपी की बात करते हैं, इवन जब जो हमारे यहाँ पे आरबीआई जीडीपी के डेटा करता है, या हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो बनता है, मोस्पी जिसको बोलते हैं, वो जब डेटा रिलीज कर रहा है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो डीडीपी अब अनाउंस कर रहा है या कैलकुलेट कर रहा है, वो किस पे कर रहा है, मार्केट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट पे? तो ये कैलकुलेट हो रहा है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, आ गया, सबका सही आंसर आ रहा है। तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स हो रहा है और सब्सिडी को आप हटा रहे हैं। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए कि आपने जीडीपी देख लिया, एनडीपी देख लिया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देख लिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस देख लिया, इसमें कोई डाउट है? अगर है तो 15 सेकंड में पूछिए, नहीं तो हम जल्दी अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि अब जीडीपी से एनडीपी आपने कन्वर्ट करना सीख लिया, अब जीडीपी से जीएनपी कैसे लाएंगे आप? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? आपने एक तरफ देखा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उसका जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी जो वैल्यू है, उसको जब आप पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उस देश का। तो अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? जीडीपी होता है डोमेस्टिक बाउंड्री में बनने वाले सारे गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन को हम नहीं ले रहे हैं। जीएनपी क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? जिसने बोला था यो कमेंट सेक्शन में, मैं देख के बता सकता हूँ। बहुत सही जवाब आया है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द इंडियन नेशनल, मतलब हमारे यहाँ पे जो रेसिडेंट हैं, रिसाइडिंग इन द कंट्री, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो रेसिडेंट बना रहे हैं, हमारे सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बना रहे हैं, ठीक है, भले वो देश के बाहर ही भी क्यों ना बना रहे हों, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें नेशनैलिटी का फंडा आता है, इसमें आपका डोमेस्टिक बाउंड्री का फंडा नहीं आएगा, नेशनैलिटी का फंडा आएगा। तो हमारे जो इंडियन नेशनल हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो ग्रॉस वैल्यू रहेगा, उस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो ग्रॉस वैल्यू होगा, जो फाइनली कंज्यूम हो रहा है, उसको बोलेंगे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब आप इसमें से जो नेट इनकम जो आपके यहाँ इंडिया आ रही है, और नेट इंडियम यहाँ से लोग जो बाहर भेज रहे हैं, उसका जो डिफरेंस होगा, उसको हम जब जोड़ेंगे अपने जीडीपी में, तो आपके पास आएगा जीएनपी, मतलब जीडीपी था डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आप घटा रहे हैं जो विदेशी हैं, जो पैसा कमा के अपने देश भेज रहे हैं उसको, और उसमें ऐड करेंगे उस पैसे को जो हमारे देश के लोग बाहर कमा के हमारे देश में भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जोड़ेंगे हमारे देश के नागरिक जो बाहर पैसा बना के अपने देश में भेज रहे हैं उसको, और घटाएंगे जो हमारे यहाँ बाहर के लोग, विदेशी लोग काम कर रहे हैं और पैसा अपना बाहर भेज रहे हैं उसको, तो आपके पास आएगा जीएनपी। और जब इसमें आप जोड़ देंगे या फैक्टर इन कर लेंगे डिप्रिसिएशन को, तो क्या बोलेंगे उसको, एनएनपी। मतलब जीडीपी का कन्वर्शन जीएनपी में करने के लिए आपको क्या डालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट का मतलब ही हो जाएगा कि जो बाहर जा रहा है और बाहर से जो अंदर आ रहा है, वो दोनों का नेट करके आप जोड़ रहे हैं जीडीपी में, तो जीएनपी आ रहा है। उसके बाद आप उसमें डिप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है आपके पास, एनएनपी। तो जीडीपी आपका जो था, उसमें से आपने माइनस किया है डिप्रिसिएशन को, तो आपके पास आ गया है एनडीपी। एनडीपी में आपने जोड़ दिया है
नेट इनकम हमारे देश के नागरिकों द्वारा जो नेट इनकम लाया गया है उसको, तो हमारे पास आ गया है उससे NNP, ठीक है। अब मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। 30 सेकंड में आपको एक फॉर्मूला तैयार करना है जिससे आप GDP एट फैक्टर कॉस्ट से पहुंचेंगे NNP एट मार्केट प्राइस पे। बताइए जल्दी, 30 सेकंड का टाइम है। GDP एट फैक्टर कॉस्ट से आपको पहुंचना है NNP एट मार्केट प्राइस। अगर ये फॉर्मूला आपने बना लिया मतलब GDP का कंसेप्ट आपका क्लियर है। तीस सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, बन जाएगा, अभी पड़ा हुआ है, ताजा ताजा है दिमाग में। गलत हो जाएगा तो गलत होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करिए कि हर कोई अपना एक फॉर्मूला बना के दे मुझे। दस सेकंड बचे हैं आपके पास, बताइए जल्दी। एक कभी अभी तक नहीं आया है, इतना टफ नहीं है, आसान है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपका ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। चलिए टाइम खत्म है। GDP एट फैक्टर कॉस्ट से आपको पहुंचना था NNP एट मार्केट प्राइस पे। तो इसको आप समझते हैं हम यहां से, ठीक है। तो GDP एक एक स्टेप करके चलेंगे। फैक्टर कॉस्ट FC मैंने लिख दिया है, ठीक है। इससे आपको पहुंचना है GDP एट मार्केट प्राइस पे। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट में NNP एट मार्केट प्राइस पहुंचना है आपको। तो पहले आप GDP में जोड़ दीजिएगा, GDP एट फैक्टर कॉस्ट में जोड़ दीजिएगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो आपके पास आ गया GDP एट मार्केट प्राइस। उसमें आप जोड़ दीजिए GDP एट मार्केट प्राइस में आपको माइनस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन को, तो आपके पास आ गया NDP एट मार्केट प्राइस। फिर NDP एट मार्केट प्राइस पे आप जोड़ देंगे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपके पास आ जाएगा NNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप करिएगा, काफी सारे आंसर आ गए हैं। तो पहले आप GDP एट फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करिए GDP एट मार्केट प्राइस में। तो उसके लिए आपने फैक्ट्री से उसको शोरूम पे पहुंचाया है, तो उसके लिए आपको टैक्स जोड़ना पड़ेगा और सब्सिडी घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पास आ गया GDP एट मार्केट प्राइस। फिर उसको आपको डिप्रिसिएशन के लिए काउंट करना है, तो डिप्रिसिएशन की वजह से जो वैल्यू लॉस हुआ था तो GDP एट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा NDP एट मार्केट प्राइस। उसके बाद उस प्रोडक्ट्स जो बाहर इनकम गया हमारे यहाँ पे, प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करने का इनकम बाहर गया, कुछ हमारे यहाँ के सिटीजन्स अब देश में पैसा वापस भेजे, ठीक है। तो जब इसका नेट इनकम आप जोड़ेंगे NDP एट मार्केट प्राइस पे तो आ जाएगा NNP एट मार्केट प्राइस पे। तो हम देखते हैं क्या क्या आंसर आया है। ठीक है, डिप्रिसिएशन, रजत के आंसर में डिप्रिसिएशन वाला पॉइंट नहीं जुड़ा है। फैक्टर कॉस्ट में आपने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया, सब्सिडी को घटाना था। अभिनव मौर्य, आपका सब्सिडी आपने जोड़ा है जो गलत हो गया है। विजय का, फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी को घटाना चाहिए था, इनडायरेक्ट टैक्स आप भूल गए, ये गलत है। अविनाश पांडे, GDP प्लस विदेश में होने वाली आय मूल्य कटौती, ये भी आप लोग डिप्रिसिएशन कैसे भूल गए, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे भूल गए, ये तो इम्पोर्टेंट है।
यही तो हमने पढ़ा है। देखिए एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश में फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट मतलब उसको आपको कंज्यूम करना है, ठीक है। तो हम फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वैल्यू गिन रहे हैं। तो हमारे देश में चाहे कोई भी नागरिक हो, हमारे देश में प्रोडक्ट बना रहा है, हाँ मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, तो उसको हमने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमने केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया है, जो फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों को लेके जो कॉस्टिंग आ रही है उसको हमने बोल दिया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइस होता है, जो हमको कंज्यूमर को जो प्राइस मिलता है, वो तो फैक्टर कॉस्ट में मिलता नहीं है, वो उसको मार्केट प्राइस पे देना पड़ता है। तो हमको करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। तो जो फैक्ट्री में सामान था और जो शोरूम में सामान आता है उसका प्राइस बढ़ाने का काम कौन करेंगे? टैक्स करेंगे। तो हम उसमें टैक्स जोड़ देते हैं और कई बार उस प्रोडक्ट को सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की, तो हम सब्सिडी को घटा देंगे। तो फाइनल उसका प्राइस जो रहेगा वो मार्केट प्राइस रहेगा। तो जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट पे था उसमें हमने जोड़ा टैक्स, उसके बाद हमने उसमें से घटाया कोई अगर उसको सब्सिडी मिल रही है तो हमारे पास आ गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि हर प्रोडक्ट अपना वैल्यू समय के साथ कम करता है क्योंकि उसमें वेयर एंड टीयर होता है, उसकी वैल्यू घटते जाती है, इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन को जब आप इंक्लूड कर रहे हो, तो अब अगर आप डिप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो एक जो एक्चुअल वैल्यू है वो पता नहीं चलेगी ना उस प्रोडक्ट की। तो जब डिप्रिसिएशन को इंक्लूड करेंगे तो आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना लिया है डिप्रिसिएशन को इंक्लूड करके। उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ हमारे सिटीजन्स प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विस का, और हमारे देश के बाहर भी हमारे देश के नागरिक हैं वो प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर हम कोई ऐसा कंसेप्ट चाहें जिसमें हम ये देख सकें कि हमारे देश के नागरिकों के द्वारा कितना आउटपुट दिया जा रहा है, तो वो आउटपुट का कैलकुलेशन होता है एनएनपी के द्वारा या जीएनपी के द्वारा, ठीक है। तो जीएनपी क्या होगा? हमारे देश के नागरिक के द्वारा बनाए गए हुए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है वो होगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वो कैसे आएगा? वो हमारे जीडीपी में आप नेट इनकम जोड़ेंगे। नेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो विदेशी काम कर रहे हैं वो बाहर पैसा भेजेंगे, जो विदेश में हमारे लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया में पैसा भेजेंगे, तो इसलिए जीडीपी से आ जाएगा जीएनपी। और उसी में अगर आप डिप्रिसिएशन को इंक्लूड कर देंगे तो वो बन जाएगा एनएनपी। तो ये कंसेप्ट है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये सारे चीज़ें हैं जो नेशनल प्रोडक्ट को मेजर करने काम आते हैं वर्ल्ड ओवर। और इंडिया में भी हमारे जो जीडीपी का जो मेजरमेंट है वो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे ही करते हैं, ठीक है। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास जीबीए की थी, लेकिन जीडीपी पढ़ना बहुत जरूरी है। नेशनल इनकम लोगों ने नहीं पढ़ा है, नेशनल इनकम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज तो हम केवल नेशनल इनकम को ही देंगे क्लास, जीबीए का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, अभी जीडीपी बाकी है, काफ़ी कंसेप्ट इसमें बाकी हैं, आज हम उसको ख़त्म करेंगे। अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो आपने अगर डाउट नहीं पूछा है मतलब आपके पास डाउट नहीं है। अच्छा, रिपीट अगेन फ्रॉम जीडीपी मार्केट प्राइस टू लास्ट। देखिए मैंने ये बनाया है पर्रा आप लोगों के लिए। तो पहला क्या है,
अब मेरे को भी उल्टा दिख रहा है। तो ये था आपका GDP एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें मैंने जोड़ा इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस किया सब्सिडी, तो हमारे पास हमारे टोटल आउटपुट की वैल्यू आ गई जो मार्केट प्राइस पे है, ठीक है। उसके बाद हमने मार्केट प्राइस पे हमने जोड़ माइनस किया डिप्रिसिएशन, तो हमारे पास उसी टोटल उत्पाद की वैल्यू आ गई नेट पे, पहले ग्रॉस वैल्यू थी उसकी नेट वैल्यू आ गई। फिर उस NDP एट मार्केट प्राइस पे हमने किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड हम पैसा भेज रहे हैं हमारे यहाँ जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं और जो बाहर से हमारे पास पैसा आ रहा है, जब वो हमने कर दिया तो हमारे पास आ गया NNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। देखो रिलेशन बिटवीन GDP एंड GNP नहीं होगा, डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP होगा। GDP होता है डोमेस्टिक बाउंड्री में इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, जितने भी आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे वो गुड्स हैं सर्विस हैं, जितने भी फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो सर्विस हो, उस टोटल उत्पाद का वैल्यू जो होगा वो आपका GDP बनाएगा। लेकिन जब आप इसमें सिटीजनशिप का एंगल डाल देते हैं, आप बोलते हैं कि एक नेशनैलिटी के लोग, जैसे इंडिया में इंडियंस, इंडिया में जो इंडियंस बना रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, और जो बाहर जो इंडियंस फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो GNP होगा। GDP और GNP में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों यूज होते हैं आपका कैलकुलेट करने के लिए कि आपका आउटपुट का वैल्यू कितना है, ठीक है। आपके देश का आउटपुट का वैल्यू है तो वो GDP से जुड़ेगा, अगर आपके देश के नागरिक का आउटपुट का वैल्यू जानना है तो वो GNP होगा, ठीक है। हम इसीलिए GDP को मानक रखते हैं। अभी क्लियर है या आगे बढ़ सकते हैं? अब एक इंडिविजुअल ने मेरे को आंसर दिया था कि उसने GDP और नेशनल इनकम पढ़ा हुआ है, तो केवल उसी को जवाब देना है। ऊपर कमेंट सेक्शन में आप लोग भी देख सकते हैं किसने दिया था। GDP में तो सारे लोग होंगे यार, उसमें फिर डोमेस्टिक बाउंड्री का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। अगर एप्पल यहाँ आके अपनी फैक्ट्री लगा रही है, उसमें जो फाइनल गुड्स बन रहे हैं उसमें हमारे लोग, यानी हमारे GDP में ही वो जुड़ेगा, ठीक है। क्लियर है अनूप? GDP में केवल इंडियंस नहीं होंगे, इसलिए डोमेस्टिक वर्ड यूज हुआ है, हर वर्ड का एक सिग्निफिकेंस होता है। डोमेस्टिक वर्ड यूज हो रहा है सिटीजनशिप, मतलब नेशनैलिटी का इसमें जोर नहीं दिया जा रहा है, मतलब बाहर के लोग भी यहाँ अगर हमारे देश में आके बना रहे हैं प्रोडक्ट को या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे GDP में जुड़ेगा। अब जिन्होंने नेशनल इनकम पढ़ा था उनसे मेरा सवाल है, और अभी तक हमने क्लास की है तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को आपको हाँ या ना में जवाब तो देना ही है, साथ में रीजन भी बताना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट को अगर आपने पकड़ लिया तो बताएगा आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। मेरा स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, यदि देश का GDP बढ़ रहा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में या पिछले साल के कंपैरिजन में, अगर देश का GDP बढ़ रहा है एट मार्केट प्राइस, अभी तो हम GDP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब मैं GDP बोल रहा हूँ तो भी वो GDP एट मार्केट प्राइस ही बात कर रहा हूँ, तो ये मान के चलिएगा अगर मैं GDP बोल रहा हूँ तो मैं GDP एट मार्केट प्राइस बोल रहा हूँ। तो मेरा स्टेटमेंट ये है, अगर हमारे देश का GDP बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे देश में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। इफ आर GDP इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स दैट आवर आउटपुट इज ऑल्सो डेफिनेटली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर देश का GDP बढ़ रहा है मतलब देश का आउटपुट भी बढ़ रहा है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सोच के जवाब दीजिएगा।
ठीक है, सोच के जवाब दीजिए, टाइम लेके जवाब दीजिए, 30 सेकंड है आपके पास, 35 सेकंड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, इफ आर जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज राइजिंग, इट डेफिनेटली मीन्स दैट आर आउटपुट इज इंक्रीजिंग, ट्रू और फॉल्स? सोच के जवाब दीजिएगा। चलिए बढ़िया है, रजत ने आंसर भी दे दिया है, रीजन भी बता दिया है, ठीक है। अगर हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हमारे देश का आउटपुट भी एक्चुअली में बढ़ रहा है, क्योंकि इसका सिंपल मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा आउटपुट उतने का उतना ही है, लेकिन हमारे यहाँ टैक्स बढ़ गए हैं, और सिर्फ टैक्स बढ़ने के कारण, टैक्स कलेक्शन बढ़ने के कारण हमारे देश का जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको अब क्लियर है या नहीं है? तो आज का लेक्चर हम इसी बात पे खत्म करेंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपके कंट्री के ग्रोथ को कंप्लीटली मेजर नहीं करती है, आपको एक ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करती है। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, पहले ये बात करिए मेरे को कि जीडीपी अगर बढ़ रहा है उसका मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, ये गारंटीड नहीं है। इसका एक और भी मतलब ये हो सकता है कि आपके यहाँ पे टैक्स भी बढ़ा हुआ हो सकता है, और उसके कारण भी आपका जीडीपी बढ़ा हुआ लग सकता है। अगर किसी एक को भी समझ में नहीं आया है तो वो बोल दीजिए, मैं दोबारा एक एग्जांपल के साथ उसको समझाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं समझा दूंगा दोबारा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जीडीपी भी होता है, उसको हम लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अभी जितने हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। किसी एक को भी डाउट है? किसी एक को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, या मैं अब बता, ये तैयार कर ही दिया था जब तक मैं आपको दे रहा था समय, कि हम ये देख रहे हैं एक साल है 19-20 का, सॉरी 18-19 का, एक साल है 19-20 का, हमारा आउटपुट 100 यूनिट है, इस साल भी हमारा आउटपुट 100 यूनिट है। हमारे फैक्टर कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन का, एक यूनिट को बनाने का 10 रुपये, ठीक है, इस समय अगले साल भी वो 10 रुपये ही था। इनडायरेक्ट टैक्स पहले हमको लग रहे थे 5 रुपये, अगले साल टैक्स बढ़ गया 10 रुपये हो गया, ठीक है। तो हमारा जो मार्केट प्राइस हुआ इस चक्कर में कितना हो गया, 15 रुपये यहाँ हो गया और 20 रुपये अगले साल हो गया मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि आपका प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, वो सेम है और टोटल जो उत्पादन हुआ था वो भी सेम है, तो 1000 रुपये ही रहा, ठीक है। लेकिन आपका इनडायरेक्ट टैक्स 5 रुपये के कारण एमआरपी था 15, तो वो 1500 था आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगले साल भी
आपका जो प्रोडक्शन था वो 100 यूनिट का था, 100 यूनिट का प्रोडक्शन था, फैक्टर कॉस्ट तो सेम है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो है 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गया, और इसके कारण आपका मार्केट प्राइस जो पहले 15 रुपया था वो 20 रुपये हो गया, तो आपका GDP एट मार्केट प्राइस क्या हो गया, 2000 हो गया है। पिछले साल आपका GDP था 1500, तो ये दिख रहा है कि GDP बढ़ गया है 500 रुपये। इस पूरे एग्जाम्पल में सिर्फ टैक्स 5 रुपये बढ़ने के कारण GDP 500 रुपये बढ़ गया, तो ऐसा लगेगा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन क्या आउटपुट में कहीं भी बदलाव हुआ है? जितना उत्पादन पहले होता था क्या उससे ज़्यादा उत्पादन हुआ है? नहीं हुआ है, उत्पादन सेम है, 100 रुपये पहले था, 100 यूनिट पहले उत्पादन हो रहा था, 100 यूनिट अभी भी उत्पादन हो रहा है, हमारे फैक्टर ऑफ कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, फैक्टर ऑफ कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया है, हमारे उत्पादन के यूनिट में कोई चेंज नहीं आया है, चेंज सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में आया है। इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज आया है तो हमारे GDP में भी चेंज आया है। ये तो GDP बढ़ता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन एक्चुअली में हमारा टोटल आउटपुट सेम है, तो मतलब ये नहीं है कि GDP का बढ़ना है तो मतलब उत्पादन का भी बढ़ना गारंटीड है। उत्पादन सेम रहेगा लेकिन फिर भी GDP बढ़ा हुआ लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके टैक्सेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिनको नहीं हुआ था वो बताइएगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, इज द अल्टीमेट मेजर ऑफ आउटपुट, ये भी गलत है कहना, क्योंकि मैंने अभी इन्फ्लेशन की बात छेड़ी नहीं है। अगर आपके रॉ मटेरियल महंगे हो गए इन्फ्लेशन के कारण, तो आपका फैक्टर कॉस्ट बढ़ गया जो 10 से 15 हो गया, लेकिन आप 100 यूनिट ही बना रहे हैं, तो फैक्टर कॉस्ट अगर बढ़ गया इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, तो इन्फ्लेशन की वजह से फैक्टर कॉस्ट बढ़ गया, तो आपका 10 रुपये पहले था, तो आपका GDP एट फैक्टर कॉस्ट था 1000, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपका फैक्टर कॉस्ट बढ़ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया 15, ठीक है, तो फिर आपका GDP एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा 1500, उसमें भी 500 रुपये बढ़ गया, लेकिन उत्पादन आपका 100 यूनिट है दोनों साल में, तो इसलिए अब हम अगला टॉपिक इन्फ्लेशन का लेंगे। ठीक है, आलोक को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, देखिए, तो अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। अभी हमने बात किया है, उसमें इन्फ्लेशन की बात नहीं की है। अगर इन्फ्लेशन के कारण हम अगर देखें तो GDP को हम दो वैल्यू पे मेजर कर सकते हैं, एक तो होता है कांस्टेंट प्राइस पे, एक होता है करंट प्राइस पे। तो जो हर देश का GDP मेजर होता है और इंडिया का भी GDP मेजर होता है, वो कांस्टेंट प्राइस पे मेजर होता है। कांस्टेंट प्राइस मतलब हम इन्फ्लेशन को फैक्टर इन नहीं करते हैं, तो उस कांस्टेंट प्राइस को लेने के लिए हम एक बेस ईयर को तय करते हैं कि ये ईयर हमारा बेस ईयर होगा, और उस बेस ईयर में जो प्राइसेस होंगी उसी के बेसिस पे हम अपने GDP का कैलकुलेशन करेंगे। पहले इंडिया का बेस ईयर था 2004-05, उसको बदल करके अब किया है 11-12, मतलब इन्फ्लेशन के कारण GDP का फिगर ऊपर या नीचे ना दिखे, एक्चुअल फिगर दिखे, हमारे उत्पादन का एक्चुअल फिगर दिखे, उसके लिए हम उसको कांस्टेंट प्राइस पे लेंगे, उस करंट ईयर की प्राइस पे नहीं लेंगे। तो कांस्टेंट प्राइस पे लेने के लिए हम एक बेस ईयर लेते हैं, जो आज की डेट में इंडिया का बेस ईयर है 2011 और 12, 2011-12 के बेस ईयर के प्राइस पे, जिसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, उसी कांस्टेंट प्राइस पे हम GDP का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन का फैक्टर हो गया। तो GDP भी दो तरीके का हो जाएगा, GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, जो कि एक्चुअल GDP हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो हर देश जो कैलकुलेट करता है, जो इंडिया अभी कैलकुलेट करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स अभी GDP बनाती है, जो RBI अपने एनालिसिस में लेती है, वो होता है GDP एट कांस्टेंट प्राइस बेस्ड ऑन द बेस ईयर ऑफ 2011 एंड 12।
और दूसरा एक जो कंसेप्ट होगा वो होगा जीडीपी एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस मतलब इस साल की प्राइस, तो वो इन्फ्लेशन उसको शो करेगा, मतलब इन्फ्लेटेड प्राइस होगा उसका, तो जीडीपी हमारा बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो जीडीपी बढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन आपसे पूछेंगे कि असली जीडीपी क्या है, तो आपको इन्फ्लेशन को हटाना पड़ेगा, जो इन्फ्लेशन के कारण जीडीपी में बढ़ा दिख रहा है इसलिए उसको हटाना पड़ेगा, इसीलिए इन्फ्लेशन को जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन के कारण जीडीपी बढ़ा हुआ दिखता है, फूला हुआ लगता है, तो जब हम इन्फ्लेशन को सुई मार के उस फूले हुए जीडीपी को फोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, ठीक है, करंट प्राइस क्या होता है, इन्फ्लेशन के कारण जीडीपी बढ़ा हुआ लगता है, तो इन्फ्लेशन को जब आप हटाएंगे उस वैल्यू में से, बढ़े हुए जीडीपी से जब वैल्यू हटाएंगे तो जो फूली हुई जीडीपी होती थी वो डिफ्लेट होके पिचक जाती है, तो आपको रियल जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी पता चलती है, नॉमिनल जीडीपी पता चलती है। ठीक है, तो ये है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करेंट प्राइस, बेस ईयर हमने पढ़ा है 11-12 के बारे में। ठीक है, तो जीडीपी हमारा कंसेप्ट है, नेशनल इनकम का कंसेप्ट है, वो क्लियर है या नहीं है, या कोई भी डाउट है तो पूछिए। अब इसके बाद जीबीए बहुत छोटा सा टॉपिक बचता है, लेकिन फिर भी आधा घंटा तो लगेगा, इसलिए हम इसको कल करेंगे, और कल एक और टॉपिक कवर करेंगे जीबीए के साथ, क्योंकि आप लोगों का नेशनल इनकम का कंसेप्ट बचा हुआ था, तो पहले हमने नेशनल इनकम कवर किया है, उसके बाद इसको कवर किया है। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं पूछ रहे हैं तो बाद में पूछ सकते हैं, कई बार खाना खाते खाते कुछ डाउट चमक आता है तो उस समय पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम पे लिख लीजिएगा। लेकिन स्ट्राइक रेट आप लोग का बहुत कम है, मतलब 30 लोग करीब क्लास अटेंड करते हैं और उसके बाद आंसर केवल 10 लोगों के आ रहे हैं मुश्किल से, तो ये गलत बात है। आंसर सब लोग भेजिए, भले ही आप अपना नाम और रोल नंबर लिख के भेज दीजिएगा, लेकिन उसको भी मैं सबमिशन मानूंगा। ठीक है, कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है वो खराब है, अटेम्प्ट करिए, भले ही उसमें आप एक कहानी लिख दीजिए, कविता लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करिए। ठीक है, चलिए अब हम कल मिलेंगे जीवीए के साथ में, कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है वो कंसेप्ट क्या होता है। कोशिश करिएगा आप लोग पढ़ के आइएगा जीवीए के बारे में, और अगर नेशनल इनकम या जीडीपी या जीएनपी या एनएनपी से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।